मेरा नाम है भावना, मैं आपके प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है रीलोकेशन। रीलोकेशन मतलब अपने गांव अपने शहर को छोड़कर एक दूसरे शहर एक दूसरी जगह पे जाके बसना, जो बहुत चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग होने के साथ साथ ये हमारे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे भी खोलती है। हमने काफ़ी सालों से इस चीज़ पे बात की है, काफ़ी बार बच्चों को समझाया भी है। रिलोकेशन के टाइम पे मोस्टली स्टूडेंट्स को चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, दे ऑल फेस डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस। फीमेल्स को अपने सिक्योरिटी अपनी सेफ्टी को लेके चैलेंजेस आते हैं, बॉयज़ को अपने सर्वाइवल को लेके चैलेंजेस आते हैं। सो आज हम इन सारे चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, अगर हम अपना गांव छोड़ के एक दूसरे शहर में जा रहे हैं बसने के लिए, एक दूसरे शहर में नौकरी करने जा रहे हैं, तो हो सकता है हम शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैसे ना कमा पाएं। हो सकता है कि हमारे को जो स्टार्टिंग में सेविंग हो वो बहुत ज़्यादा ना हो पाए, या फिर शून्य ही सेविंग कर पाएं हम, क्योंकि हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। बट आज हमें एक डिफरेंस समझना होगा। अगर मैं कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं अगर 7,000 की सैलरी पे अपने शहर गांव से दूसरे शहर में जा रहा हूँ, तो इतने पैसे तो मैं अपने गांव में रह के भी कमा सकता हूँ। तो मैं उनको ये डिफरेंस समझाना चाहती हूँ कि गांव में रह के आज भले ही मैं वो 7,000 कमा लूँ किसी भी काम को करके, चाहे खेती करके, चाहे किसी की स्टोर पे काम करके वो 7,000 कमा लूँ, बट वो 7,000 सात साल बाद भी शायद 7,000 ही रहेंगे। बट अगर मैं किसी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के, एक अच्छी ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के आज भले ही 7,000 में अपने शहर छोड़ रही हूँ, बट आज से 7 साल बाद वो 7,000 20,000 25,000 बनेंगे। साथ ही साथ मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी पे, मेरी लर्निंग में, मेरी स्किल्स में जो चेंजेस आएंगे, वो वहाँ अपने गाँव में रह के वो चेंजेस कभी नहीं आ सकते। तो हमें एक डिफरेंस समझना होगा कि एक छोटा किराना स्टोर में काम करने से में और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने में क्या डिफरेंसेस मेरे करियर पे आएंगे। हम सिर्फ आज पे फोकस करते हैं कि आज मैं इतने पैसे तो अपने गांव में रह के भी कमा सकता हूँ, आज मैं इतने पैसे तो अपने शहर में रह के भी कमा सकती हूँ, तो मैं अपना गांव अपना घर छोड़ के क्यों जाऊँ। इसलिए मैंने आपको कहा कि वो डिफरेंस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का। वो कैसी संस्था है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी कंपनी है, उधर अगर मैं आज जुड़ जाती हूँ तो मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा करियर क्या है, वो हमें समझना होगा। उसी के बेसिस पे हमें ये डिसीजन लेना होगा। अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, आज मैं रिलोकेट होने में उनको जो चैलेंजेस आते हैं, तो अगर हम सेफ्टी की बात करें तो हम आज एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपकी सेफ्टी, आपकी सारी चीज़ों की आपकी ज़रूरतों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। अगर आप अपने शहर को छोड़ के जा रहे हैं तो आपके साथ एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर जाएंगे, आपको पूरी तरह से वहाँ पे सेटल करके आपके लिए ऐसी रूम की व्यवस्था करके जहाँ पे आपके कोई भी सेफ्टी इश्यूज ना हो, कंपनी में आपका अच्छे से एटमॉस्फेयर को चेक करके, इनफैक्ट आपकी प्लेसमेंट के बाद भी हम आपसे जुड़े रहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ कोई भी परेशानी हो तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं। रीलोकेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें जो जिस तरह की कंपनीज में आगे अपना करियर बनाना है, वो कभी कभी हमारे छोटे से गांव में या छोटे से शहर में नहीं होती, वो एक बड़े शहर में एक बड़ी लोकेशन में जाके ही मिलती है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो कोई और बिग स्टेट हो। तो इसलिए रिलोकेशन हमें करना पड़ता है। जब हम कोर्स में एडमिशन लेते हैं तब हमसे पूछा जाता है कि आप आगे जाके रिलोकेट होंगे या नहीं होंगे, तब मेजरली स्टूडेंट्स यही बोलते हैं मैं रिलोकेट करूंगा या करूंगी, बट एट द टाइम ऑफ रियल रिलोकेशन, एट द टाइम ऑफ रियल प्लेसमेंट दे डिनाई फॉर दैट, वो उससे पीछे हट जाते हैं। तो हमें समझना होगा कि आगे जाके हमारा जो करियर है, हमारी जो ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज है, हमारा जो फ्यूचर है, वो हमारे ही इस डिसीजन पर डिपेंड करता है। समटाइम्स पेरेंट्स मना कर देते हैं कि हमें बच्चे को बाहर नहीं भेजना, हम उसको गांव से बाहर नहीं भेजना चाहते। तो पेरेंट्स के लिए भी मेरा ये मैसेज है कि अपने बच्चे को आगे बढ़ने से मत रोकें, उनकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की शुरुआत, उनको एक अच्छे मौके की शुरुआत मिली है, उनको वो मौका उनके हाथ से ना जाने दें। और मैं एक और बात इस टॉपिक में कवर करना चाहती हूँ कि हो सकता है हमें पहली जॉब में सैलरी कम मिले, हो सकता है हम 7,000 8,000 या 9,000 ही पहली जॉब में कमा पाए, बट फॉर मी फर्स्ट जॉब इज लाइक अ ट्यूशन। अगर हम ट्यूशन में पढ़ते हैं तो पहली बात ये है कि ट्यूशन में हमें सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, बट हमें उधर फीस देनी पड़ती है। बट फर्स्ट जॉब में जो हमें लर्निंग होती है उसके साथ साथ हमारी इनकम होती है। सो इन दैट सेंस ऑल्सो जितना एक्सपोजर हमें फर्स्ट जॉब में मिलता है, जितना लर्निंग हमें फर्स्ट जॉब में मिलती है, जितना एक्सपीरियंस हमें फर्स्ट जॉब में मिलता है, हमें एक फ्रेशर से एक एक्सपीरियंस हम लिखने के लायक हो जाते हैं अपने CV में, वो हमें हमारा फर्स्ट जॉब देता है।
तो इसलिए फर्स्ट जॉब को आप एज अ सेविंग अकाउंट, एज अ अर्निंग मत देखिए। आप फर्स्ट जॉब को इस तरह से देखिए कि फर्स्ट जॉब एक अपॉर्चुनिटी है आपको सिखाने की, आपके सीखने की, आपके आगे बढ़ने की, जिसके लिए आपको एक फीस मिल रही है, जिसके लिए आपको एक सैलरी मिल रही है, जो आपके आपको सिखाने के साथ साथ आपको एक इनकम सोर्स भी देता है। सो रिलोकेशन से डरने की जरूरत नहीं है। रिलोकेशन में चैलेंजेस बहुत हैं। हो सकता है आज तक आपने कभी भी अपने हाथ से कुछ खाना ना बनाया हो, बट रिलोकेट होके आपको वो भी करना पड़े। हो सकता है आपको अपने सारे काम खुद करने पड़े, साथ साथ आपको नौकरी भी करने पड़े। बट ये स्ट्रगल, ये चीजें सबके साथ होती हैं, और जैसे जैसे हम इन स्ट्रगल को कवर करते रहते हैं, इनसे आगे बढ़ते रहते हैं, हमारा फ्यूचर, हमारा करियर और ब्राइट होता जाता है। इसलिए हमें हर चैलेंजेस को, हर चीजों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ के रिलोकेट होने में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी आपके साथ हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ हैं, आपके ट्रेनर्स आपके साथ हैं, आपकी प्लेसमेंट टीम आपके साथ है। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।